सत श्री अकाल जी, स्वागत आप सब दा सितारे की कहिंदे ने प्रोग्राम विच, मैं जसीमा। दोस्तों, हर इंसान नूं कुदरत ने बहुत कुछ दिता है ते उस बहुत कुछ नूं कई बार असी नज़रअंदाज करके अगे अपनियां मुसीबतां जां कमियां नूं ही उजागर करते रहने हां। अपने अंदर दी शुभता नूं जाण के अगर असी अपने गुणां नूं परख के उस रस्ते ते चलीए तां काफ़ी हद तक साडे रस्ते सानूं मंजिल ते जल्दी पहुँचा देंदे आ ते सक्सैस लाइफ विच दबा देंदे आ। ये सितारे ने जो सानूं दसदे ने कि किस रस्ते ते चलना साडे लई बहुत शुभ हो जांदा है। चलो समझदे आ आपां सितारिआं नूं, जाणदे आ अज दा पंचांग ते उस तों बाद जाणांगे की कहिंदे आ तुहाडे सितारे 27 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार दा। तिथि की गल की जाए तो तिथि अज रहेगी जी पंचमी तिथि ते 27 तरीक मंगलवार वाले दिन धनिष्ठा नक्षत्र चलेगा, जो मंगलदाई नक्षत्र है। इसने 2:27 तक चलना है ते उस तो बाद सत पिशा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, बुध महाराज अज मकर राशि विच चले जाएंगे कल सवेरे तड़के। मकर राशि विच पहला तो ही शनि चल रहे ने, सूरज बुध शुक्र की युति जो चल रही है तो इस तो बुध चेंज हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद वक्री होकर वापस आ जाएंगे तो फिर शुक्र भी चेंज होकर अगले घर शनि के घर चले जाएंगे। चंद्र का कुंभ राशि विच बैठना, गुरु का मीन राशि विच बैठना ते नाल ही जो राहु केतु दा मेष ते तुला राशि विच बैठना की प्रभाव पावेगा, इस बारे आपां चर्चा करांगे। जिन्हां दा जन्मदिन है, छाती दी सालगिरह है, आने वाला साल आप सब लई बहुत ही अच्छा जावे। की करना है जी, तुसी अनाज दा दान कर सकदे हो, दालां दा दान कर सकदे हो, जिन्नी कु गुंजाइश दित्ती है परमात्मा ने ना उन्ना कु तुसी किसी जरूरतमंद नूं अनाज दे दवो, ब्लैसिंग लवो। तो शुरुआत कित्थों करनी है, अपने घर तो, अपने माता पिता तो, अपने आले दुआले जिसनूं जिस चीज़ की जरूरत होवे उसनू राशन वगैरह लेके देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा तुहाडे ग्रहां नूं मजबूत करेगा। ठीक है जी, ते हुण आपां जानदे आं तुहाडे सितारे। राहुकाल दा टाइम भी दस दईए, मंगलवार वाले दिन 3 बजे तो लैके 4:30 बजे तक रहेगा। सब तो पहला ऐ रेजा नी मेष राशि वालियां दा अज दा दिन। ग्रहां दे हिसाब दे नाल 11वें स्थान विच चंद्रमा ते नाल जो नक्षत्र चल रहा वह मंगल दा ते मंगल तुहाडे लगन तुहाडी राशि दा मालिक। दिन नूं बेस्ट बनाउण लई ज़्यादा इमोशनल ना होवो, बस मां दा आशीर्वाद लो ते कम कार कर लो, सक्सैस मिल जाएगी ते वाणी च तत्तापन। पर दूजिआं दी मदद तुसीं अच्छी कर रहे हो, सब दा साथ भी तुहानूं मिल रहा है। राहू नूं कंट्रोल करन दे लई आपां तुहानूं हर रोज़ उपाय दसदे ही रहिंदे हां ते अज तुसीं थोड़े जिहे हल्के रंग पहनने हैं, खास तौर पर नीले रंग तो परहेज रखना है ते दुध दा दान करना, माँ दे पैरीं हथ लगाना मन ते कम दोनों नूं मजबूती देवेगा। टॉरस ब्रिख राशि वाले, ब्रिख राशि वालियां दे बुध अज निकल जाएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी, तो उस तो बाद फिर जो वापस आएगा तो फिर भी सेहत संभालनी ही पएगी। चलो कोई नहीं, शुक्र नाल निकल के भी इसने एनर्जी सही ही करनी है। तो ब्रिख राशि वालियां नूं हजे थोड़ा अजे अपने गुस्से ते कंट्रोल काफ़ी देर रखना पएगा, पेट नूं संभालना पएगा ते विदेश लई वैसे थोड़ी देर लई सितारे तुहाडे बड़े अच्छे हो जाने आ। कोई पेपर रोके सी तां तुहाडे निकल भी सकदे आ ते शुक्र नूं अच्छा करन लई तुसीं जानदे ही हो गां नूं रोटी पा देनी है ते नाल इतर जां परफ्यूम लगा लेना। जैमिनी यानी मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालियां दे जो बुध है अज राशि परिवर्तन कर जाएगा, राशि तो 8वें स्थान विच जाएगा, पर सेहत लई तां सितारे थोड़े जे ठीक ठाक ही रहणगे। सूरज शुक्र दी युति स्किन प्रॉब्लम देवेगी, चंद्र अच्छा कर रहा है, किस्मत स्थान विच किस्मत नूं चमका रहा, परमात्मा ते भरोसा वधिया तुहाडा, धार्मिक फंक्शन अटेंड कर रहे हो तुसीं, धार्मिक साहित पढ़ रहे हो, वधिया गल है ना। ते नाल ही तुसीं की करना है, केले लैके अज कंजकां नूं दे सकदे हो, नुकसान तो भी बचोगे ते मन च सैटिस्फैक्शन यानी एक अजीब जी कह सकते हैं तसली जी रहेगी कि चंगा किया, ते हल्का जिहा ग्रीन कलर भी पहन सकते हो। कैंसर यानी कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालियां दे चंद्र राशि तो 8वें ते उस तो बाद चला जाएगा 9वें, चंगा हो जाएगा जदों गज केसरी योग चलेगा। मंगल दा नक्षत्र अज मित्र है, सरकारे दरबारे कम्मां दीआं रुकावटां दूर होणगीआं, प्रॉपर्टी नाल संबंधित कोई गलबात जो तुरी सी उह अगे तुर सकदी आ ते कोई ऑफर भी आ सकदी आ, सेल परचेज करन वालियां दा कोई नवां सौदा भी हो सकदा जदों गुरु चंद्र दा गज केसरी योग बणेगा ते मंगल दे नक्षत्र नूं मजबूत करन दे लई तुसीं शहद दा सेवन जरूर करो। लियो सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालियां दे चंद्र सामने तो एनर्जी दे ही रहा है, भावें 12वें खाने का मालिक आ, खर्चे भी दे रहा पर इनकम भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, घर च कंस्ट्रक्शन का काम कराने बारे तुसी सोच रहे हो तो एनर्जी बिल्कुल अच्छी है, तोड़ भन करवा सकते हो, पर आले दुआले नाल कुछ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, आंढ गुआंढ विच रिश्ते तुहाडे खराब हो सकते हैं। चंद्र 8वें स्थान विच जा रहे हैं तो थोड़ी उदासी किसी दीआं कईआं गल्लां मन च कर सकदीआं ने, ऑरेंज कलर लगी।
वर्गो यानी कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के जो सितारे गुरु ने अच्छा किया, गुरु ने चंद्र नाल जुति बना के होर भी अच्छा करना है। पंचमी तिथि आ, पंज फुल लैके पीले रंग के धार्मिक स्थान पर चढ़ा दो, अच्छा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो नाल ही पति पत्नी एक दूजे की बिल्कुल साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, कुछ छोटी मोटी नोक चोक तो बाद परिवारिक माहौल बिल्कुल ठीक, तो बाकी माहौल तो थोड़ा सही चल रहा है, क्यों बुध सूरज के नाल है तो उसने शनि नाल जाना है, तो वह भी मित्र ही है, कोई घबराने वाली गल नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। लिबरा जा नहीं तुला राशि वाले, तुला राशि वाले अज गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, हूँ शुभ सूरज थोड़े नाल है, सूरज को तो शांत करना ही है ना, बेशक उसकी एनर्जी पूरी तरह नाल तुहाडा नुकसान नहीं कर रही, पर तुहाडा मित्र है बुद्ध जदों तुहाडे नालों अगे निचले जाएगा, अगली राशि विच जाएगा, तो शुक्र ते सूरज का फल थोड़ा जिहा तुहानूं गर्मी भी देगा, स्किन प्रॉब्लम भी देगा, तो परिवार विच माहौल खराब भी करेगा, खास तौर पर नवे रिश्ते खराब हो सकते हैं, दोस्त मित्रां नाल मनमुटाव बढ़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो दिन बिल्कुल सही जाएगा। मिश्री का सेवन अज भी कर लो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले दे सितारे शुभ ने जी, बुध तीसरे स्थान विच जाके कोई नहीं नुकसान करने वाला, अठवें खाने का मालक है, पर कितने ना कितों कोई ना कोई बैड न्यूज़ नानके दादके पक्ष तो दिमाग भी ते घर का माहौल भी थोड़ा खराब ही करेगी। मन की बजाय दिमाग तो ले गए फैसले तुहानू सक्सैस देने वाले हैं, कोई सरकारी नौकरी लिए अप्लाई करना है तो बेस्ट समा चल रहा, तुहाडा इस टाइम पर कर सकते हो, अपनी हिम्मत नाल अपने काम दूसरे ते ना छड्डन ते ही तुहाडे कमाकारां नू सक्सैस मिलने वाली है। काले रंग तो अज परहेज रखो। सैजिटेरियस धनु राशि वाले, सूरज बुद्ध शुक्र की युति लगन विच बुद्ध धन स्थान विच जाएगा, पैसा ही देगा, कोई नहीं है सत्तवें खाने का मालिक है, काम कार लई कोई नवी प्लैनिंग देगा, बिजनेस देगा, शेयर मार्केट विच पैसा लगान दे लई तुहानू कोई नवी ऑफर आ सकती है, चंगा है। घर विच लग्जरी चीज़ा खरीदन ते तुसी खर्च कर सकते हो, वो भी अच्छा ही है। की करना है तुसी हल्का जिहा लैमन कलर पहनना, तो नींबू धार्मिक स्थान पर रखन ते जो केतु की युति है ना वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, जो इनकम स्थान विच एकदम इनकम दे रही है, कदे रोक रही है, ठीक। कैप्रीकॉन मकर राशि वालों के सितारे ग्रहों के हिसाब के धन लई काम कर लई चंगे आ, नक्षत्र मित्र ना होण करके काम रुक रुक के ही होणगे, ते नाल सरकारी दरबारे अपना माहौल तुहानू सही रखना पैना है, किसी तरह की डांट आले दुआले तुहाडे अफसरां दा रुख तुहाडे लई कुछ परेशानी का कारण भी बन सकता है, तो इस करके अपने काम नू समय ते नबेड़ो ता कि चंद्र का प्रभाव ते नक्षत्र का प्रभाव तुहाडा नुकसान ना कर सके, ठीक। तो गौशाला तुसी गां नू पेड़ा खिला सकते हो, शुक्र साथ देगा तो काफ़ी वड्डे नुकसान तो भी तुसी बच सकते हो। अक्यूरस कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के चंद्र लगन च है, सेहत थोड़ी जी खराब चली तुहाडी, पानी थोड़ा जा जरूर पियो ता कि चंद्र की मजबूती होवे, पर पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, मत्थे ते केसर लगा के रखो, ते शनि जो तुहानू प्रॉपर्टी अच्छी दे रहा, प्रॉपर्टी नाल संबंधित काम तुहाडे पेट्रोलियम दा काम करदे हो, कोई मीडिया नाल रिलेटेड काम करदे हो, तां सितारे तुहाडे चंगे ही चल रहे आ, ते धन स्थान विच जा के चंद्र कोई नवें ऑफर भी तुहानू आ सकदी है जो तुहाडे मन नू खुशी करे, ठीक। नाल ही अज दे दिन नू होर ज़्यादा अच्छा करन लई तुसी हनुमान जी दे संदूर भी चढ़ा सकते हो। पाइसिस मीन राशि वाले, मीन राशि वालों का दिन अज बेस्ट जाएगा, खर्चा के कंट्रोल तुसी कर लिया, ते नाल मन की कलपाहट भी हुण थोड़ी घट जाएगी, नक्षत्र तुहाडा मित्र ही है, धन दे रहा नालों नाल खर्चे भी दे रहा, ते घर विच परिवार विच कीते खर्चे तुहानू बिल्कुल भी मन नू नुकसान जां बेचैन नहीं करनगे, तो उस दे लई तुसी म्यूजिक भी सुन लैना, मैडिटेशन भी कर लैनी है, ते नाल परिवार विच बैठ के खाना भी खा लैना। केतु तो बचण दे लई, पैर ते सट चोट तो बचण दे लई कालापन तेजी ते थोड़ा जिहा कंट्रोल रख के चलो, खास तौर ते वाहन ध्यान नाल चलो, ठीक है जी। ए सी दोस्तों तुहाडे सितारे, मेष तो लैके मीन राशि विच बैठे हुए ग्रहों के मुताबिक इन्हां दीआं दृष्टियां गोचर ते नक्षत्र मुताबिक की प्रभाव पाउंदे ने, कोई भी ग्रह जिस जगह पर बैठा है उसने उस जगह की एनर्जी लैके ही अपना काम करना है, कुदरत ने लाया जी उसनू ये काम, ठीक। वास्तु के मुताबिक भी चीज़ों नू सही असी करते हैं, हर चीज़ नू हर जगह पर सही करन नाल हर चीज़ का फल बिल्कुल शुभ मिल जाता है। इस तरह आपां तुहानू नंबरां बारे भी जानकारी दित्ती, कई बार असं अपना मोबाइल नंबर गड्डी नंबर अजकल तो हर चीज़ चल पई है जी, कि चीज़ ले जाए तो कि चीज़ ना ले जाए, कोई वहम वाली गल नहीं है, पर जो नंबर साडा लकी हो अगर उस नंबर का दो बार आना या तीन बार किसी नंबर में आना उसकी एनर्जी नू डबल ही करता है, इस करके तुहाडा कोई भी लक्की नंबर हो कोई भी तुहाडा ड्राइवर नंबर जिस जन्म तरीक नू तुहाडा जन्म होया हो उसकी एनर्जी नू आप नोट करो, ठीक। आप नोट करो कि ये नंबर वार वार साढ़े सामने आ रहा है, नंबर वार वार साढ़े लिए अच्छा है, ज आ चीज़ ली सी ये चीज़ ने सानू बहुत ही शुभ किया, इस नंबर की सी ये नंबर इस तरह का सी, ये गड्डी का नंबर इस तरह का सी, मोबाइल जां घर विच लग्या होया फोन किसी का तुहाडा हाउस नंबर जो सी है ना, तो अगर उसकी एनर्जी नू तुसी जांच परख के उस नंबर
अपने मोबाइल विच, अपने घर की एनर्जी विच यूज़ करते हो तो वह नंबर तुहानू काफ़ी फायदा दे जांदे आ। इसे तरह अपनी जन्म तरीक के नंबर के हिसाब के नाल असी उस एनर्जी नू अपने नाम की एनर्जी नाल जोड़ के भी शुभ कर सकते। ठीक है जी, ये अज का विचार ते हुण समा हो गया इजाजत दा। परमात्मा करे आप सब दा अज दा दिन बहुत ही अच्छा जावे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो ते मिन दो जी इजाजत। सत श्री अकाल।